गुरुद्वारे के सामने से निकलने वाले ट्रक चालक भी फ्लाईओवर नहीं बनने से परेशान हैं। ट्रक चालकों का कहना था कि अगर गुरुद्वारे के सामने फ्लाईओवर बन जाए तो जाम और एक्सीडेंट की समस्या पर काफी हद तक रोक लग सकती है। देखिए, मैं इस समय सिकंदरा तरफ जो हाईवे जा रहा हूँ, मैं उस तरफ हूँ और यहाँ पर ट्रक आ रहा है मेरे सामने, आप देख रहे हैं। ये इनसे हम जरा बात करेंगे, यहाँ पर क्या सहूलियत होनी चाहिए ट्रक के लिए, क्या ओवरब्रिज होना चाहिए या फिर यहाँ पर पुल पर क्या होना चाहिए, इससे जानते जरा हम इनसे। थोड़ा सा आपको हमें रुकना पड़ेगा, ये बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए क्या? ओवरब्रिज बनना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या, टाइम नहीं लगेगा और एक्सीडेंट का कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो रुक तो जाएंगे मगर एक्सीडेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा, ये देखते नहीं है, मारुति वाले घूम जाते हैं ऐसे। हाँ, सीधे निकल जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर इनको रुकना नहीं पड़ेगा, इनका कहना है। और भी एक लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि ये बड़े वाहन हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े वाहन हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पहिए हैं इनके, और ये ज़बरदस्त तरीके से बहुत मोटे मोटे पहिए इनके, और बड़े वाहन हैं, ओवरलोडेड वाहन है। देखिए ऊपर तक कितना ज़बरदस्त टैंकर है इनका, और ये जब चलते हैं यहाँ पर तो ये सड़कें हिलती हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार एक्सीडेंट के। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर आप अगर ओवरब्रिज बने तो जो बड़े वाहन हैं उनको किस तरह की सहूलियत होगी, यहाँ पर किस तरह से आने जाने में उनको आसानी होगी, इस बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े वाहन हैं निकलने में, चूँकि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा समय लगता है उनको निकलने में, और तमाम लोग हैं जो इधर से भी टर्न होते हैं, इधर भी जाते हैं, लेकिन बड़े वाहनों की हम बात करते हैं। एक ट्रक आ रहा है, हम उस पर देखते हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उसका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं यहाँ से, किस तरह की सड़क जो है यहाँ पर होनी चाहिए। देखते हैं, हम नीचे निकल रहे हैं थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं उनके पास तक पहुँचें ज़रा, हम एक सेकंड देख रहे हैं ज़रा। ये बताइए यहाँ ओवरब्रिज अगर बन जाए पुल तो क्या क्या आसानी होगी आपको? बहुत ही सुविधा हो जाएगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, गाड़ी वाला सीधा निकलता जाएगा, ये रुकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल इनकी सबकी बात सही है, मैं बड़े वाहनों से ही बात कर रहा हूँ इस समय, जो ट्रक इस समय आ रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ एक और है, जरा इनसे बात कर लेते हैं एक बार। जी ये बताइए यहाँ से आपको रुकना पड़ता है ट्रैफिक पे, अगर यहाँ ओवरब्रिज अगर बन जाए ओवरब्रिज तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, ओवरब्रिज बन जाए तो आसानी यही होगी, जाम नहीं लगेगा। अच्छा, चलने का मत, एक मिनट रुकिएगा जरा, आप तो एक तो बहुत ऊँचे हो, मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता हूँ। ये बताइए आप, मतलब आप लोग को यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा ना, तब सीधे निकल जाएंगे? सीधे निकल जाएंगे बिल्कुल। हाँ, यहाँ पुल बन जाए तो और अच्छी बात है, बनना चाहिए, बनना चाहिए। खड़े हैं आप इसमें? ये गुरुद्वारे पे खड़े हैं, आगरा। ठीक है, आपने देखा कि इनका कहना है कि हम सीधे निकल जाएंगे और बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आसानी होगी सबको आने जाने में, इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारे के सामने आगरा में पुल बनना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मनोज साध, विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।